हेलो नमस्ते जय जोहार संगवारी हो, मैं हूँ दीपक। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों डेली व्लॉग नहीं आ पा रहा है, इसके लिए तहे दिल से सॉरी कहना चाहता हूँ और बहुत कोशिश करता हूँ बट इतना आलसी हूँ कि वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। और आप मेरे मेन चैनल पे यहाँ का वीडियो आप देख लिए होंगे। और अभी प्रियंका रायपुर से और संदीप भाई जो हैं वो उत्तराखंड से घूमने आए हुए हैं, तो अभी पूरे छत्तीसगढ़ के कुछ कुछ जगह घुमा रहे हैं। तो कल दल्हा पहाड़ लेकर गए थे, आज पूरा रतनपुर घुमाएं और अभी कूटाघाट डेम आए हैं। तो ये है हमारे संदीप भाई और ये है प्रियंका, तो इनको अभी कूटाघाट डेम लेकर आए हैं। अभी कूटाघाट डेम में वाटर ओवरफ्लो स्टार्ट हुआ है, तो बहुत से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आसपास के लोग यहाँ पे दुकान भी लगा रहे हैं। जैसे प्रियंका यहाँ आई तो ये भेल खाई, उसके बाद डस्टबिन नहीं था, तो उसको क्या बोली ये वीडियो देखिए आप। पर प्रियंका जी भाई को कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे आप? मुकेश जी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये भेल तो बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन मैंने देखा इनके आसपास काफी कचरा पड़ा हुआ था ये लाइक दैट। तो मैंने इनको बोला कि आप एक खाने की चीजें बेच रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप डस्टबिन क्यों नहीं रखे हैं? तो इन्होंने मुझे आज प्रॉमिस किया है कि आज से ये स्टार्ट करेंगे, डस्टबिन रखेंगे और लोगों को भेल देने से पहले ये बोलेंगे कि खा के डस्टबिन में ये प्लेट डालिएगा। तो मैंने इनको बताया है और इन्होंने ये चीजें सुनी भी है और ये कर भी दी है इन्होंने। ये देखिए डस्टबिन भी लगाया है जिसमें मैं अपना कचरा डाल सकती हूँ और ये जो आसपास के भी कचरे हैं वो भी क्लीन करवाएंगे बोला इन्होंने, क्योंकि इस हिसाब से इनका सेटअप है इतना अच्छा, तो मैं नहीं चाहती कि इनके आसपास कचरा दिखे और लोग थोड़ा झिझक करे खाने में। ठीक है, तो अब लोकेश ये फॉलो करेंगे तो यहाँ से इसका नीचे का व्यू जो है वो दिखता है। बहुत आवाज आ रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये है कूटाघाट डैम और अभी धूप है, इस कारण से बहुत कम लोग आए हैं। शाम को बहुत भीड़ रहता है यहाँ पर। ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ब्रिज पूरा बंद कर दिए हैं, बहुत सारे लोग उस दिन खुद भी रहे थे, आज तो पूरा बंद कर दिए हैं। तो दोस्तों अगर आपको कूटाघाट डैम आना है तो आप अभी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी है और अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है, बट आप सुबह या शाम टाइम यहाँ घूमने के लिए आइए। और ये बिलासपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, रतनपुर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है और अभी आने का सही समय है, तो आप आइए। मैं भी जो बाहर के टूरिस्ट आए हैं उत्तराखंड के, रायपुर के, उनको यहाँ घुमाने लेके आ रहा हूँ। भाई नीचे से ऊपर आ गए हैं, देखिए। तो क्या डस्टबिन दिखा आपको? कहाँ पे है डस्टबिन? अच्छा डस्टबिन है, बहुत बहुत थैंक यू यार। कहाँ से हो भाई? अच्छा, तो भाई जो है कूटाघाट डैम का जो ओवरफ्लो हो रहा है वहीं पे भाई जो है ये भेल का दुकान लगाए हैं, तो आप लोग जब भी आएंगे तो ये भेल जरूर खाएं, बहुत ही टेस्टी भेल है भाई। अगर डस्टबिन होगा तो फाइनली मुकेश ने अभी डस्टबिन पहले लगाया है फिर अपनी टेंट लगाई है। ऐसा क्या बात है, थैंक यू भाई मुकेश भाई। चलिए अब चलते हैं नीचे।